हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुसुम है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रॉयल वर्ड्स में। आज का जो हमारा हेल्थ टॉपिक है वो स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है। प्रेग्नेंट लेडीज को नॉर्मल लेडीज से ज्यादा विटामिन्स और फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम ऐसी चीजों की जरूरत नॉर्मल लेडीज से ज्यादा होती है। कई बार ऐसा होता है कि वो अच्छा डाइट ले रहे हैं, अच्छा फूड ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इन सारी चीजों की कमी बॉडी में रह जाती है और ऐसी सिचुएशन में उन्हें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। लेकिन जो सप्लीमेंट्स का अमाउंट है प्रेगनेंसी के डिफरेंट स्टेजेस में वो वेरी करता है, कभी ज्यादा लेना है, कभी कम लेना है, तो उन्हें कोई भी जो सप्लीमेंट है वो अपनी मर्जी से नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले। और कई बार ऐसे भी होता है, कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि प्रेगनेंसी टाइम में नहीं लेने चाहिए, उनके बैड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। और आज मैं आपको बताऊंगी अपने इस टॉपिक में कि आपको कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, उनके बेस्ट फूड सोर्सेस क्या हैं और कौन से सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए। तो जो पहला सप्लीमेंट है वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को हम विटामिन B12 भी कहते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है प्रेगनेंसी टाइम में यूज होने वाला। इससे जो बेबी में होने वाले किसी भी तरीके के ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो बर्थ डिफेक्ट है वो उसको रोकता है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट होता है। इसके जो बेस्ट फूड सोर्सेज हैं वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, सिट्रस फ्रूट और बीन्स, जहां से हमें बहुत ज्यादा मात्रा में फॉलिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन दोस्तों, जैसे कि अब आप जानते हो कि जो वुमेन्स में आयरन का जो कंजप्शन है वो ज्यादा होता है, इसलिए मैन के अकॉर्डिंगली वुमेन को आयरन ज्यादा लेना चाहिए अपने डाइट में। और अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको वैसे भी अपनी बॉडी में जो है आयरन का कंटेंट है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कम आयरन लेने से आपको एनीमिया हो सकता है और उसका जो इफेक्ट है वो बेबी के ऊपर भी आ सकता है। और अगर आप ज्यादा आयरन लेंगे तो इससे जो है बेबी को ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छे से हो पाएगी और उसकी ग्रोथ भी अच्छे से हो पाएगी, इसलिए आयरन लेना बहुत जरूरी है। इसके जो बेस्ट फूड सोर्सेज हैं वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राइड फ्रूट, नट्स, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो लीन मीट जो है बेस्ट फूड सोर्स है आयरन के लिए। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में उसको इंक्रीज करता है। अगर आप आयरन ले रहे हैं, विटामिन सी नहीं ले रहे हैं, तो जो आयरन है बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो उसका जो फायदा है आपको पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए विटामिन सी लेना भी बहुत जरूरी है। इससे जो स्किन के सेल्स हैं बेबी के वो अच्छे से ग्रो करते हैं, हेल्दी रहते हैं। विटामिन सी के बेस्ट फूड सोर्सेज हैं सिट्रस फ्रूट, लाइक मौसमी है, ऑरेंज है। अगर आप डायरेक्ट नहीं ले पा रहे तो उसको एज अ जूस भी ले सकते हैं। आप डेली 1 गिलास जूस ले मौसमी या फिर ऑरेंज का, तो आपको अच्छा जो विटामिन सी उससे मिल जाएगा। और उसके अलावा है रेड ग्रीन पेपर्स, जिसको हम लाल या हरी शिमला मिर्च कहते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी है, ब्रोकली है, जो कि बेस्ट सोर्स है विटामिन सी के लिए। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे होता है स्ट्रांग बोन्स के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम अच्छी मात्रा में लेने से बेबी की जो बोन्स हैं और मसल्स हैं वो हेल्दी ग्रो होंगी और स्ट्रांग बनेंगी। जो कैल्शियम के बेस्ट फूड सोर्सेज हैं वो है मिल्क, चीज, योगर्ट, जिसको हम दही कहते हैं, कर्ड कहते हैं। इसके अलावा है सोया बीन्स, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो सैल्मन फिश होती है, इज द बेस्ट फूड सोर्स फॉर कैल्शियम। और इसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन है तो टमाटो और पालक, स्पिनच जिसको हम कहते हैं, इसमें आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिल सकता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है? ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है बॉडी में। अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं, विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, तो फिर से वही बात है कि कैल्शियम जो है बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैंने आयरन और विटामिन सी के लिए बताया था कि आयरन को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करवाना है अगर बॉडी में, तो विटामिन सी भी बहुत जरूरी है। उसी तरीके से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन अच्छी करवाने के लिए आपको विटामिन डी भी लेना पड़ेगा। जो विटामिन डी के बेस्ट फूड सोर्सेज हैं वो है सैल्मन फिश, जैसे कि अभी कैल्शियम के लिए भी मैंने बताया, सैल्मन फिश से आपको बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन डी भी मिलता है और कैल्शियम भी मिलता है। उसके अलावा एग और रेड मीट, जहां से हमको बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन डी मिल सकता है। और
और एक फ्री का जो एक फूड सोर्स है, फूड सोर्स कह सकते हैं या फिर उसको अच्छा बेस्ट सोर्स कह सकते हैं, वो है सनलाइट। सनलाइट से हमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन डी मिलता है। अगर हम डेली आधा घंटा धूप में बैठते हैं या फिर चलते हैं तो हमारी जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो ये बात तो थी कि सप्लीमेंट्स हमें कौन से लेने चाहिए प्रेगनेंसी टाइम में, और अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो विजन की जो प्रॉपर डेवलपमेंट है, फीटल की विजन डेवलपमेंट है या फिर हमारी भी जो विजन अच्छी विजन के लिए विटामिन ए जरूरी होता है। लेकिन इसका बहुत ज्यादा कंजप्शन या फिर इसको एज अ सप्लीमेंट लेना हार्मफुल हो सकता है। इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स हो सकते हैं बॉडी पे, जिससे कि लीवर तक डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हमें ये प्रेगनेंसी टाइम में एज अ सप्लीमेंट नहीं कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो जीन एक्सप्रेशन या जो आप कह सकते हैं कि हमारे जो करेक्टर वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफर होते हैं उसमें हेल्प करता है, और इम्यून सिस्टम को, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको बूस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन इसको एज अ सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। इसका सप्लीमेंट एज अ सप्लीमेंट यूज करने से इसको एब्डोमिनल पेन इंक्रीज हो सकती है या फिर किसी तरीके का जो प्री मेच्योर रप्चर है प्रेगनेंसी में आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए ये दो सप्लीमेंट्स जो प्रेगनेंसी टाइम में बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का हेल्थ टॉपिक सप्लीमेंट्स के ऊपर, प्रेगनेंसी में कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और कौन से नहीं। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है रॉयल वर्ड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।